खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कितने किलोमीटर है बाहर निकल आए हैं यहाँ से। इतनी ठंड थी अंदर। ये है जी फतेहाबाद लेक। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल का तो नहीं मसला? पेट्रोल का मसला है। बोतल है कोई? चले उधर आ जाए, छांव पे आ जाए, वहां पे स्कर्दू की तरफ, और यहाँ से सीधा गिलगित, खंजराब, हंजा, ये रोड जा रही है। बस अब टाइम तकरीबन कोई 10 बज रहे हैं और 12 बजे तक तकरीबन पहुंच जाएंगे हंजा में। ये जी सामने गिलगित है इस साइड पे, ये सारा शहर गिलगित के आगे, लेकिन हमने यहाँ से राइट हो जाना है हंजा की तरफ। ये जी सारी नलतर वैली है, मेन इधर है, काफ़ी ज़्यादा इधर को वादी थी, अभी भी ये देखे। और ये यहाँ से कोई रास्ता बता रहे हैं कोई 17 किलोमीटर, ये रोड जा रही है यहाँ से, जो ये नलतर वैली की तरफ सारी रोड जा रही है यहाँ से जी। डिस्ट्रिक्ट नगर स्टार्ट हो गया है और इसके स्टार्ट से ही देखें माशाल्लाह से खूबसूरती भी स्टार्ट होगी यहाँ से। मौसम भी काफ़ी माशाल्लाह बेहतर हो गया, गर्मी अब नहीं लग रही, हालांकि टाइम तकरीबन, बल्कि ये लिखा हुआ है 11:30 हो रहे हैं और सूरज बिल्कुल ऊपर ही है, लेकिन ठंडी हवा काफ़ी चलने लग गई है। पूछते हैं क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल का तो नहीं मसला? पेट्रोल का मसला है। डाल दें? बोतल है कोई? चलें उधर आ जाएं, छांव पे आ जाएं, वहां पे इनको जी पेट्रोल डाल दें थोड़ा सा, ताकि पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए। छोटे छोटे बच्चे साथ लेके भाई फिर रहे हैं। ये जी साथ साथ आपको नज़र आ रही होगी ये रोड जा रही है, ये पुरानी है ओल्ड सिल्क रोड। और ये जी जाफराबाद में इंटर हो गए, ये जाफराबाद का एरिया है और इधर से व्यू चेक करें, ये राका पोशी का ग्लेशियर ऊपर चेक करें, कितने बड़े बड़े ग्लेशियर पड़े हुए। ये जी इस टाइम गलमत बाज़ार में आ चुके हैं और यहाँ से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर लगा लें आप, हंजा सिटी है, हंजा वैली, और राका पोशी हमारे साथ साथ आ रहा है। ये भाई करीब तर ये मुझे लगता है हंजा तक भी नज़र आएगा, व्यू होगा इसका। ये देखें ना इस साइड पे, ये कमाल का नज़ारा है कसम से। राका पोशी व्यू पॉइंट ये है जी, असल व्यू पॉइंट यहाँ से। यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ मैं, आपको साइड पोल दिखा दूँ। ये देखें इस साइड पे आप, देखें कितने बड़े बड़े ग्लेशियर पड़े हुए हैं। ये मेन पॉइंट है गलमत शहर, यहाँ से यानी कि टूरिस्ट रात, ये देखें ना काफ़ी रुके हुए हैं यहाँ पे व्यू करने के लिए, और होटल वगैरह भी हैं यहाँ पे। और यहाँ से ही मेरे ख्याल में कोई रास्ता जाता है ऊपर, मतलब वहाँ पे बेस कैंप वगैरह के लिए। ये देखें, ये देखें
ये पीसी होटल है नासिराबाद मुंजा, और उसके सामने राका पोशी। यहाँ से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर रह गया आगे हमला, और टाइम तकरीबन 1:15 हो रहे हैं। ये जी थोड़ी सी रोड ख़राब आ गई है, पीछे जो है ना पुल बना रहे हैं इस साइड पे, वो वहाँ से टर्न लेता हूँ फिर आपको राइट साइड पे दिखाता हूँ। यहाँ से जो है ना गर्दन पूरी मुड़ेगी नहीं, ओ अभी यहाँ से टर्न होते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी आप पानी की लहरें चेक करें, ये देखें कितना फास्ट आ रहा है इस साइड से, इस वो ऊपर से पिघल के पानी बर्फ जो है ना, वो सामने पुल आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे कंस्ट्रक्शन हो रही है। बस जी इंटर हो गए हमजा में, मेन जो सिटी है वो तो मेरे ख्याल में आ गया है 3-4 किलोमीटर, और बस स्टार्ट हो गया ये, अभी जा रहे हैं आगे, आगे तक देखते हैं कोई होटल वगैरह भी चेक करते हैं, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करते हैं वहाँ पे। अभी जो है आपको शहर का भी रूट दिखाता हूँ किस तरह का है जी हमजा। काफ़ी बड़ा शहर है ये, अभी मैप पे 3-4 किलोमीटर आगे बता रहा है, तो देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं फिर। मैं यहाँ पे देख भी लूँ, अभी जा रहे हैं जी आगे। तो जी हमजा से आगे निकल चुके हैं, प्लान था वहाँ पे ठहरने का, लेकिन वहाँ पे गर्मी इतनी थी कोई मज़ा ही नहीं आया। नीचे शहर में जो है ना गर्मी काफ़ी है, लेकिन आप साइड पे ऊपर वैली वगैरह में चले जाएंगे तो फिर तो वहाँ पे अपना ठंड वगैरह है, नीचे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा तो है कि हमने पंजाब पास तक जाना है और वापस आना है दोबारा फौरन ही। आगे जी अताबाद टनल आने लगी है, और इसके बाद फिर अताबाद लेक आएगी, वो देखते हैं। ये शायद काफ़ी लंबी टनल है, अताबाद टनल। काफ़ी अंधेरा हो रहा है और लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी ताकि आने वाली गाड़ी को पता चले कि आगे आ रहे हैं भाई। ये देखें सामने भी है, अभी थोड़ा सा कट आएगा फिर आगे टनल है, और यहाँ से ये देखें कैसे बनाई पहाड़ों में, बड़ी ठंड है। ये तो बहुत बड़ी टनल है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
पता नहीं कितने किलोमीटर है। अभी ये वीडियो कट करके बनाई है मैंने आगे, और शुरू में पढ़ा भी नहीं कितने किलोमीटर है। चलें फिलहाल जा रहे हैं जी, देखते हैं किधर तक ख़त्म होती है। लगता तो है कि अब ख़त्म होने वाली होगी, इतनी काफ़ी ज़्यादा करके आ गए सफ़र। और फ्लाइट मुझे नज़र आ रही है आगे, वहाँ पे शायद एंड हो रही है ये। लेकिन ठंड यार, इतनी ठंड काफ़ी हो गई है अंदर। वो सामने लाइट नज़र आ रही है, मेरे ख्याल में वहाँ तक है। और इसके निकलते ही मेरे ख्याल में अहताबाद लेक भी आती है। फिर आगे शुरू है एक आगे भी नज़र आ रही है यहाँ से, कट होते ही फिर एक टनल। तो यहाँ पे ये है जी, यहाँ से फिर आगे टनल शुरू हो रही है। टनल से बाहर आ गए हैं अब, आगे और टनल वेलकम कर रही है, टनल 4। ये मेरे ख्याल में उनसे छोटी टनल है। बिल्कुल ही अंधेरा चले जा रहे हैं, उतनी लग रही है यार, ये काम नहीं लग रही बाइक थोड़ा मसला कर रहा था यहाँ पे, मिसिंग जैसे ऑक्सीजन का मसला हो। तो अभी देखते हैं लागे हुकुम से पहुँच जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से भी बाइक, दरमियान में ना कोई मसला कर दे। ये जी बाहर निकल आए यहाँ से, इतनी ठंड थी अंदर काफी। बहुत ठंड थी यार। लक्ष्य हमजा, ये जी मेन पॉइंट है जहाँ पे आवाम रुकती भी है। सामने उधर बोट्स वगैरह भी हैं। अब इसकी खैर है, इतने टनल दो फिर मसला नहीं है वो पीछे वाली जो दो थी वो तो बड़ी खतरनाक थी बस ये लास्ट है मेरे ख्याल में, लास्ट टनल है ये। ये है जी अहताबाद लेक, आगे देखते हैं रास्ता नीचे का, फिर नीचे उतरते हैं जाके।
यहाँ से जी नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ से देखते हैं किस साइड पे, वहाँ पे फिर रुकते हैं थोड़ी देर, बाइक खड़ी कर लें। आगे जी गुलमे तक देखते हैं कोई होटल वगैरह, यहाँ पे फिर स्टे करते हैं क्योंकि आगे कोई जगह वगैरह है नहीं इतनी आबादी वगैरह। तो ये जी सामने पशु कॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले अभी यहाँ पे होटल मिल गया है बिल्कुल पासोकोन के पास ही, तो यहाँ पे नाइट स्टे का प्लान है, अब यहाँ पे रहेंगे। तो इंशाल्लाह आगे जो है 136 किलोमीटर रह गया है खुंजराब पास, तो वहाँ इंशाल्लाह जो है सुबह निकलेंगे वहाँ पे, और वहाँ से ही वापस जो है जगलोट जा रहे हैं। टोटल तकरीबन कोई 400 किलोमीटर होंगे जो हमने कल सुबह से शाम तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर सुबह निकलेंगे, बाकी जो है गपशप सुबह फिर रास्ते में ही होगी, और आपको फिर वहाँ पे खुंजराब पास पे ले चलूँगा, वहाँ पे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं।